हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है में लीप के बाद ये एक्ट्रेस निभाएगी लीड रोल। इस हसीना के हाथ लगा नया प्रोजेक्ट और कौन है वो हसीना, जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वीडियो के एंड तक। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है सबसे लंबे समय तक चलने वाला डेली सोप में से एक है। जो शो साल 2009 में शुरू हुआ था और अभी तक इसकी लोकप्रियता पहले जैसी की वैसी ही है। शो काफी उतार चढ़ाव में गुजरा है और इसमें अब तक कई ट्विस्ट और टर्न आ चुके हैं। अभिमन्यु और अक्षरा की शादी हुई, फिर दोनों अलग हुए और एक बार फिर से दोनों एक होने जा रहे हैं। अभिमन्यु और अक्षरा की शादी होने जा रही है और इसकी तैयारी चल रही है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होने वाला है। आने वाले हफ्ते में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर फैंस चौंक जाएंगे। वहीं इन सब के बीच खबरें हैं कि शो में लीप आएगा और कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। अक्षरा और अभिमन्यु की जगह कोई और एक्टर लेगा और फिर एक फ्रेश स्टोरी दर्शक देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, खबरें आ रही है कि लीप लेने के बाद शो में अक्षरा और अभिमन्यु की जगह कोई और एक्टर और एक्ट्रेस लेने वाला है, फिर एक फ्रेश स्टोरी दर्शक देख पाएंगे। अब फैंस के मन में सवाल है कि लीप के बाद लीड रोल कौन निभाएगा। खबर से कि मेकर्स निहारिका चौकसे के नाम पर विचार कर रहे है। जी हाँ दोस्तों, लीड के बाद के एक्टर और एक्ट्रेस के लिए मेकर्स ने अब तक कई एक्टर्स और एक्ट्रेस को अप्रोच किया है और कई नाम सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स अब निहारिका चौकसे के नाम पर विचार कर रहे हैं। निहारिका को दर्शक आखिरी बार सीरियल फालतू में देख चुके हैं और अब ये शो बंद हो चुका है। शो में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। वही ये भी कहा जा रहा है कि रणदीप राय से मेकर्स ने बात की है और जल्द ही उनका ऑडिशन भी हो जाएगा। दोस्तों, आगे चलकर कहानी में काफी सारे नए मोड़ और नए सारे किरदार आने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, क्या है आप सबकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।